गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी डिस्कस क्रिप्स मिशन जो आया था हमारा 1942 में। ओके सो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सीरीज लगाने को। कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, इनकी डेट इनके पूछा जाता है हियर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। सो क्रिप्स मिशन स्टार्टेड बाय सर स्टफर्ड क्रिप्स 1942 में। ये भारत क्यों आता है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। भारत क्यों आता है, तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिशरों को जरूरत थी इंडियन आर्मी की। ठीक है, मतलब जो इंडियन के सैनिक थे वो बहुत पावरफुल थे, हर युद्ध में जाते थे और विजय प्राप्त करते थे। तो ही नीड अ हेल्प ऑफ इंडिया बिकॉज जापान वॉज मोस्ट पावरफुल एट दैट टाइम। जापान उस टाइम का बहुत पावरफुल देश था वो, बहुत ही मतलब जिसने यूएसएसआर चाइना यूएस को मतलब बहुत मतलब बुरी तरीके से हरा रहा था। तो ब्रिटेन को ये डर था कि कल की डेट में ये हमें भी मतलब कुछ हमला कर सकता है हमारे पे। तो ब्रिटेन के लोगों को जो यूएसएसआर है चाइना है उन्होंने कहा कि आप इंडिया पे जाइए, इंडिया की हेल्प लीजिए, वही आपको हेल्प कर सकते हैं, वही सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने कहा ठीक है हम एग्री है, लेकिन हमें हमें हमारी कुछ डिमांड है वो आप फुलफ़िल कर दीजिए तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, है ना, वॉर में आपका सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया के द्वारा जो दो डिमांड रखी गई थी वो ये थी कि जो आफ्टर वॉर वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पहली चीज़, पहली शर्त उनकी। और दूसरी थी इमीजिएटली पावर ट्रांसफ़र, इमीजिएटली आप अपनी जो आपने पावर रख रखी है अपने पास वो हमें इमीजिएटली ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और हमारे हिसाब से फिर रूल एंड लॉ चलेंगे। ठीक है, ठीक है। जो प्रपोजल था ऑफ क्रिप्स मिशन ये क्या था, ब्रिटिशरों ने कहा कि वी गिव कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, हम आपको कम्प्लीट आज़ादी देंगे लेकिन हम लेकिन जो एम्पायर होगा फिर भी हमारे अंडर में होगा। ये क्या बात हुई, है ना, मतलब कि एक तरह से तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लो पर रूल तब भी हमारा रहेगा, तो बात ठीक नहीं लग रही थी ना। फिर उसके बाद आता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड सम ऑफ, उसके बाद उन्होंने कहा जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप की जाएगी। ठीक है, उसमें से कुछ लोग इलेक्ट किए जाएंगे, कुछ नॉमिनेट किए जाएंगे जो होंगे हमारे प्रोविजनल स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कह दी कि जो इंडियन डिफेंस है उस पर कुड बी कंट्रोल बाई गवर्नर जनरल इन हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब कुछ भी इंडिया के फेवर में नहीं था इसमें, है ना। एक तरह से वो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे फिर भी लेकिन जो रूल होगा वो ब्रिटिश एम्पायर का होगा, ये भी बात ठीक नहीं है, इंडिया के फेवर में नहीं है। दूसरी चीज़, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप की जाएगी और कुछ इलेक्ट किए जाएंगे, कुछ नॉमिनेट किए जाएंगे फ्रॉम प्रोविंशियल स्टेट्स और प्रिंसिपल स्टेट्स से, ये भी बात ठीक नहीं थी, मतलब इंडिया के फेवर में कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम। फिर उसके बाद इंडियन डिफेंस सिस्टम जो कंट्रोल करेगी वो आपके ब्रिटिश से करेगी, ये भी ठीक नहीं था। फिर उसके बाद एक बहुत ही मतलब पूरी भारत की एकता को तोड़ने वाली बात कह दी उन्होंने कि राइट टू लीव द यूनियन एनी स्टेट, मतलब जिसका मन चाहे मतलब कभी भी वो भारत की यूनियन को छोड़ सकता है। ये क्या बात हुई, है ना, कोई भी राज्य भारत की को छोड़ सकता है जब जिसका मन चाहे। ये तो मतलब एक तरह से मतलब भारत को तोड़ने वाली बात हो गई ना, मतलब स्टेट कभी भी मतलब अपने उसको छोड़ सकता है। तो ये बिल्कुल भी मतलब इन चारों में से कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मतलब इंडिया के फेवर में उड़ती। ठीक है, तो फिर इंडिया की क्या प्रतिक्रिया हुई, इंडिया रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट रिस्पॉन्सेज, इन्होंने क्या दिया। ठीक है, दे डू नॉट एग्री विद हर प्रपोजल, ये बिल्कुल भी एग्री नहीं थे ब्रिटिशरों के प्रपोजल से। ठीक, दे डोंट वॉन्ट डोमिनेंट स्टेटस, मतलब उनको डोमिनेंट स्टेटस बिल्कुल नहीं चाहिए था। दे वॉन्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब आधा अधूरा वो नहीं चाहिए था इंडिपेंडेंस, उन्हें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इफ़ एनी स्टेट हैज़ टू लीव देर इज़ अ ब्रेक ऑफ यूनिटी डज नॉट एग्री बाई इंडियन। दूसरी चीज़ वही मैंने आपको बताया थी कि अगर कोई भी स्टेट छोड़ के चले जाता है इंडिया को तो ये तो एक तरह का एकता को भंग कर दिया, एकता को तोड़ रहा है वो, देश की एकता को तोड़ रहा है। वैसे ही देश पहले ही इतने भागों में बंट चुका था, है ना, प्रिंसली प्रोविंसली प्रोविंस प्रिंसली स्टेट, तो अब ये नहीं चाहते थे कि ये भारत देश जो है और टूटे, तो बिल्कुल समर्थ नहीं थे इससे। ठीक है, डिफेंस ऑल्सो पावर रूल बाय गवर्नर जनरल डस नॉट बाय इंडिया, ये फिर वही बात कि क्या बोलता, डिफेंस आप अभी भी अपने पास रख रहे हो, है ना, इंडियन के हाथ में कुछ नहीं है।
तो ये पॉइंट थे कुछ। तो सो फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस डस नॉट एग्री विद हर प्रपोजल, बिल्कुल एग्री नहीं थे ये उनके प्रपोजल से। तो फिर एक वर्ड है, एक सेंटेंस वर्ड है या सेंटेंस कह लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी जी ने इसको क्रिप्स मिशन को कहा कि एस पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ऐसा चेक जो अभी आपके पास है तो लेकिन उसका यूज़ फ्यूचर में होगा, है ना, फ्यूचर में होगा, तो ऐसा चेक का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, ठीक है, आपका गांधी जी ने कहा। इस क्रिप्स मिशन के दौरान ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ये थे आपके विंस्टन चर्चिल, ठीक है। सो फाइनली स्टफर्ड क्रिप्स गोस टू हर कंट्री, मतलब उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो अपनी कंट्री वापस लौट जाते हैं। तो इस वजह से क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, हमारा फेल, है ना। सो स्टूडेंट्स ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, और आपका इसकी डेट पढ़ लीजिए, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, है ना, उस टाइम के ब्रिटेन के पीएम कौन थे, जो इनके मेन पॉइंट है, ये क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा इन सबको, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलता हूँ नए लेक्चर में, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।